न्यूज़ नेटवर्क के उत्तराखंड इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राज्य उत्तराखंड स्थापना दिवस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे वीर चंद सिंह गढ़वाली के समाधि स्थल, सुनाया गैरसैंण को राजधानी बनाने का पूरा इतिहास। अगली खबर में बताएंगे उत्तराखंड में विकसित की गई पहाड़ी भोग मडुए की नई प्रजाति के बारे में, देंगे सफेद मडुए के गुड़ों की संपूर्ण जानकारी। बुलेटिन में अगली खबर हज यात्रा 2021 की है, आगे बताएंगे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए क्यों बैन हुई हज यात्रा। बुलेटिन के आखिर में खबर शिक्षा विभाग में निकली 2000 से अधिक शिक्षा भर्ती की, बताएंगे भर्ती में क्या है पूरे नियम। अब खबरें विस्तार से। गैरसैंण दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वीर चंद सिंह गढ़वाली के समाधि स्थल कोदियाबगड़ पहुंचे, जहां सीएम ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाधि के समीप एक पौधा भी रोपित किया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही। गैरसैंण बरारीसैंण विधानसभा भवन का नाम ही वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उन्होंने 10 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से गैरसैंण को राजधानी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति भी बनाई जाएगी। गैरसैंण में जल्द सचिवालय भी बनाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बारी है उत्तराखंड में तैयार हुए सफेद मडुए की। उत्तराखंडी खाने के प्रसिद्ध मडुए की अब नई प्रजाति आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी। प्रदेश के जाने माने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने वीएल मडुए 382 तैयार किया है, जिसका रंग भूरे के बजाय सफेद है। आपको बता दें कि मडुए का उत्तराखंड के पहाड़ की परंपरागत फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में करीब 135 हेक्टेयर भूमि पर मडुए का उत्पादन होता है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी मडुए का आटा 20 से 25 रुपए प्रति किलो ही बिक रहा है। रंग के कारण बाजार में अभी मडुए की मांग कम है, जिसको ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में सफेद मडुए का उत्पादन किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 साल का समय लगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत की माने तो मडुए की यह प्रजाति सफेद अनाज की एक विशेष किस्म है, जिसे 13 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड में रिलीज के लिए चिन्हित किया गया था। विशेषता की बात करें तो भूरे रंग के वीएल मडुए 324 के प्रति 100 ग्राम में कैल्शियम 294 किलो मिलीग्राम और प्रोटीन 6.6% है, जबकि सफ़ेद मडुए के प्रति 100 ग्राम में कैल्शियम 340 ग्राम और प्रोटीन सामग्री 8.8% है। विशेषज्ञों के अनुसार उच्च पौष्टिक मूल्य और सफ़ेद रंग के दाने के चलते यह भूरे रंग के बीच वाली किस्मों की तुलना में बहुत अधिक पसंद की जाने वाली प्रजाति होगी। काश्तकारों को इस नई प्रजाति का बीज 2021 से कृषि विभाग व अन्य माध्यमों से मिलना शुरू हो जाएगा। खबर में अब बारी है न्यूज़ टुडे नेटवर्क द्वारा शुरू किए गए स्पेशल उत्तराखंडी शख्सियत की। उत्तराखंडी शख्सियत में हम आज आपको बताने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर राकेश कुमार जैन के बारे में। उत्तराखंड के मेडिकल इतिहास में एक जाना माना नाम है डॉक्टर राकेश कुमार जैन। मेडिकल के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें 2008 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर जैन को पद्मश्री उत्तराखंड में वर्ष 2021 में पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंबाइंड मेडिकल इंस्टीट्यूट और 2004 में उत्तराखंड स्टेट का पहला नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए दिया गया। 8 नवंबर 1952 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जन्मे राकेश कुमार जैन ने आगरा से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वर्ष 1991 में वे देहरादून के जैन हॉस्पिटल के डायरेक्टर बने। पद्मश्री डॉक्टर राकेश कुमार जैन मेडिकल और हेल्थ के क्षेत्र में उत्तराखंड के स्टेट प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। वर्ष 2004 में उन्हें दून अवार्ड से भी नवाजा गया। 2005 वर्ष में हिंदी गौरव सम्मान उनके नाम हुआ। 2010 से 2012 तक वे उत्तराखंड के हेल्थ एडवाइजर भी रहे। 2016 में उन्हें उत्तराखंड बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। राकेश कुमार उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी रहे। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर हज यात्रा के संबंध में। हज यात्रा 2021 के लिए इस बार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से हज और उमरा करने वालों के लिए आयु सीमा की बाध्यता लागू कर दी गई है। जिनकी आयु इससे कम या ज्यादा होगी, उन्हें अगले साल हज यात्रा पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगले साल होने वाली हज के लिए
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि अभी तक 70 वर्ष के अधिक आयु वाले हज यात्रियों को अलग से आरक्षण दिया जाता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह आरक्षण खत्म कर दिया गया है। हज यात्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट 10 दिसंबर से पहले जारी हुआ होना चाहिए। हज यात्रा आवेदन के लिए आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट स्कैन हुई कॉपी, कैंसिल चेक के साथ ही आधार या बैंक पासबुक आदि कोई भी एड्रेस प्रूफ की कॉपी होना जरूरी है। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष की माने तो हज के लिए 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जनवरी में लॉटरी से हाजियों का चयन किया जाएगा। 1 मार्च तक हज यात्रा के खर्च के तौर पर पहली किस्त जमा करनी होगी। हज यात्रा 19 जुलाई को होगी, जिसके लिए 26 जून से 13 जुलाई तक फ्लाइट जाएंगी। खबर, प्रदेश में 2000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर टीचर बनने की राह देख रहे लोगों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हो चुका है। शिक्षा सचिव की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक के 2000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2019 की व्यवस्था के तहत की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के लिए शासनादेश में 20 नवंबर 2020 की डेडलाइन भी तय की गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए जनपदवार पद निकाले जाएंगे। शिक्षक सचिव की माने तो शासन के आदेश के बाद इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित कर दिया गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।